जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं PR के अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC ई कैटरिंग सेवा के बारे में। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों दो टॉपिक मतलब कि आपको खास बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों चलिए हम पहला आपको टॉपिक बता देते हैं, उसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक होता है दोस्तों कि जैसे कि आपका टिकट RAC में है दोस्तों, आपने खाने का ऑर्डर दे दिया है, तो दोस्तों क्या आपका टिकट बाद में आपको टिकट जो है दोस्तों RAC के बाद कंफर्म हो जाता है, तो दोस्तों क्या आपको खाना आपकी सीट पे डिलीवर होगा या नहीं होगा है। और दूसरा मतलब कि आपका मतलब कि दूसरा मतलब सेम यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपका टिकट अगर दोस्तों कन्फर्म है, आपने खाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया है, तो दोस्तों ऐसे में आपका खाना आपके आप तक पहुंचेगा, आपकी सीट तक नहीं पहुंचेगा, ये जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं पहले IRCTC मतलब RAC टिकट के बारे में कि IRCTC आप तक खाना आपका पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं आपको। दोस्तों मान लीजिए आपने टिकट करवाया है, आपका टिकट दोस्तों RAC में चल रहा है और आपने एडवांस बुकिंग कर ली है खाने के लिए IRCTC के माध्यम से, ठीक है। आपने IRCTC में अपना पिन डाल दिया, मतलब PNR डाल दिया, उसके बाद दोस्तों आपने खाना ऑर्डर कर लिया है। खाना ऑर्डर तो आपने कर लिया, यहाँ तक अच्छी बात है, ठीक है। और दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि मेरा टिकट RAC है और खाना मैंने मंगाई है, मतलब PNR नंबर उनको दे दिया है, और बाद में दोस्तों जब ट्रेन का चार्ट बनता है तो ऐसे में दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि दोस्तों आपका आपने खाना ऑर्डर पहले ही कर दिया है और आपका टिकट अब हो चुका है कन्फर्म। कि आपने ये सोचा होगा कि आपका टिकट अब कंफर्म हो गया, आपके मतलब पैसे वैसे मतलब कि जब खाना ऑर्डर किया था आप कैश रखते हैं या कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं या मतलब कि पेमेंट कर दिया है आपने ऑनलाइन, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होती है और इसमें आप सोचते ही रह जाते हो कि मेरा खाना डिलीवर होगा कि नहीं होगा। दोस्तों चलिए हम बताते हैं इसी के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने खाना ऑर्डर कर दिया है, आपने तो वही PNR नंबर डाला है जो कि आपके टिकट के ऊपर था, वो आपने PNR नंबर डाला है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका टिकट चाहे RAC हो या दोस्तों आपका चल रहा हो फिर कंफर्म RAC के बाद आपका टिकट कंफर्म हो गया हो, उससे कोई लेना देना आपको नहीं होता है। आपका दोस्तों जब मतलब आपको खाना डिलीवर होगा ना, तो दोस्तों आपको मतलब एक नंबर दो नंबर मांगा जाता है, या तो दोस्तों एक आपका मतलब जिस अकाउंट से नंबर होता है वो मतलब कि जिस अकाउंट से आप अपना IRCTC का ऐप बनाते हो तब मांगा जाता है, और दूसरा दोस्तों एक ऑप्शन आता है अलर्ट मोबाइल नंबर, तो दूसरा नंबर दिया जाता है, या तो आपको पहले कांटेक्ट कर लेंगे या तो दोस्तों आप ये देखना कि आपका PNR जो होता है दोस्तों वो नहीं बदलता है, खाली RAC की जगह टिकट कंफर्म की जाती है, वो लोग आपके जो PNR नंबर है उसकी स्थिति देखकर आपका पता लगा लेंगे कि आपका टिकट कंफर्म है या RAC है, और अगर कंफर्म हो गया है या चार्ट बन गया है दोस्तों आप कौन सी ट्रेन की स्थिति में हो, मतलब कौन सी सीट में हो, कौन से कोच में हो, वो खुद पता लगा लेंगे। अगर आपने पहले से ऑर्डर कर दिया है खाना तो आप तक जरूर पहुंचेगा, अगर नहीं भी पहुंचता है तो आप एक चीज हमेशा याद रखना, आपका खाना अगर आपके पास नहीं पहुंचता है तो वो लोग दोस्तों ये करते हैं, अगर आपने कैश पैसा दे मतलब पैसा देने का रखा है तो ठीक है, अगर आपने मतलब ऑनलाइन पेमेंट पहले से ही कर दिया तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा 7 दिन के अंदर अनरिफंड मतलब कि रिफंड कर दिया जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।